नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे भी है। इसका फेज वन यानी नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर सेक्शन का ओपनिंग हुआ था दिसंबर 2022 में, जो एज पर प्रोजेक्ट प्लान ही ओपन किया गया था। लेकिन फेज टू जो एज पर प्रोजेक्ट प्लान होता है शिरडी से लेकर थाने के आमनी गाँव तक, वो अभी तक पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए हाल ही में होते हुए फेज टू का ओपनिंग आपको पर्शियली देखने को मिला, जो शिरडी से लेकर सिन्नार तक था। एंड उसका कारण है पैकेज 13, 14, 15 और 16 में अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, जिसमें से पैकेज 14 पूरी तरह से बन चुका है, बट बाकी तीनों पैकेजेस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। तो बाकी इस एक्सप्रेसवे का जितना पार्ट अभी भी ओपन नहीं हुआ है उसको एज ए फेज 3 देखते हैं, और मुंबई एंड से यानी थाने के आमने गाँव से देखते हैं फेज 3 में अभी और कितना काम बचा हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए तो वो फ्री है लेकिन हमें इससे काफ़ी हेल्प होता है। तो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एंड होता है थाने के अमने गाँव के पास, जो है पैकेज 16। एंड आज के वीडियो में हम इस पैकेज का ही प्रोग्रेस देखने वाले हैं, बट आपको आने वाले वीडियोस में पैकेज 14, 15 और 13 का भी अपडेट्स मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं पैकेज 16 के बारे में। तो आमने गाँव के पास ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की स्पार जेएनपीटी सेक्शन में, जहाँ से आप राइट में जा सकते हैं मुंबई की तरफ और लेफ्ट में जा पाएंगे जेएनपीटी की तरफ। एंड बीच में आपको मुंबई और नवी मुंबई के साइड में कुछ कुछ इंटरचेंज भी देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप आसपास के इलाकों में जा पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटरचेंज का काम चल रहा है जहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है। सो यहाँ पे प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट टाइम सिर्फ पियर कैप तक ही काम हुआ था एंड ज़्यादातर जगह पर सिर्फ अर्थवर्क ही चल रहा था। वहीं पर अभी कुछ स्पैन्स में गडर इरेक्शन हो चुका है तो कुछ स्पैन में अभी डेक स्लैब का काम ही चल रहा है। बाकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर्स का काम शुरू होते हुए आपको दिख जाएगा एंड सेम जेएनपीटी साइड में भी स्ट्रक्चर्स का काम जस्ट शुरू ही हुआ है। फिर नागपुर की तरफ बढ़े तो ऑलमोस्ट सेम स्टेज में ही काम चलते हुए दिख रहा है। फिर वत्सा नदी के ऊपर आता है ये वायाडक्ट, जिसका 4 महीने पहले जहाँ पे कुछ स्पैन में गडर इरेक्शन एंड डेक स्लैब प्रोग्रेस में था, अभी राइट हैंड साइड का 3 स्पैन छोड़ के बाकी पूरा ही कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट वायाडक्ट के ऊपर अभी रोड लेइंग भी शुरू हो चुका है। एंड इस वायाडक्ट के बाद आगे और 4 किलोमीटर पे अभी बस अर्थवर्क का ही काम चल रहा है, लेकिन बारिश के चलते अभी अर्थवर्क का काम करना काफी मुश्किल लग रहा है। उसके बाद करीब 6.5 किलोमीटर हिस्से में 1 से 1.5 किलोमीटर में पीक्यूसी हो गया है और बाकी सेक्शन में अर्थवर्क का ही काम जारी है। फिर अंबरजी गांव के पास बन रहा है एक 500 मीटर का टनल एंड प्रोग्रेस की बात करें तो अभी भी टनल एक्सकर्शन का काम चलते हुए दिख रहा है। टनल के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर तक पीक्यूसी बन चुका है बट आगे में फिर से अर्थवर्क का काम चालू है, जहां इस सेक्शन में अभी भी इस एरिया में एक्सकैवेशन चल रहा है और बाद में एक ओवरपास भी बनेगा यहां पर, जिसका थोड़ा बहुत काम शुरू भी हुआ है। फिर आगे में लगभग 3.5 किलोमीटर पे पीक्यूसी बन चुका है और आता है एक मेजर ब्रिज, जिसका डेक स्लैब कंप्लीट हो चुका है। देन आगे में लगभग 4.5 किलोमीटर पे पीक्यूसी लिंक कंप्लीट हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं रोड मार्किंग और क्रैश बैरियर भी फिक्स कर दिया गया है यहां पर। उसके बाद NH 548A के ऊपर यहां पर बन रहा है एक इंटरचेंज, जिसका काम अभी चल रहा है। फिर यहाँ पे ये 1 किलोमीटर छोड़ के पूरा ही पीक्यूसी बन चुका है।
नेक्स्ट आता है ये खूबसूरत सा वायडक्ट जो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लंबा है। प्रोग्रेस की बात करें तो जहां लास्ट टाइम लेफ्ट हैंड साइड में 5 स्पैन में और राइट हैंड साइड में 22 से 23 स्पैन में काम बाकी था, अभी लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ही स्लैब बन चुका है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 14 स्पैन में काम बाकी है। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड के डेक के ऊपर रोड लेइंग भी शुरू हो चुका है। फिर आता है ये 1 किलोमीटर का टनल जो अभी दोनों ही एंड से थ्रू हो चुका है और टनल के अंदर अभी पीक्यूसी लेइंग भी शुरू हो चुका है और टनल के दूसरे एंड में और 1 किलोमीटर के बाद खत्म होता है पैकेज 16 जहां पे पीक्यूसी रोड बन चुका है। फिर शुरू होता है पैकेज 15 जिसका प्रोग्रेस देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन पैकेज 16 की प्रोग्रेस को समराइज करें तो 36.5 किलोमीटर के इस पैकेज का लगभग 10 किलोमीटर में अभी भी पीक्यूसी लेइंग बाकी है और 2 टनल है जिसमें से 1 किलोमीटर टनल का एक्सकैवेशन का काम कंप्लीट हो गया है और 500 मीटर टनल में अभी भी एक्सकैवेशन चल रहा है। 3 मेजर वायडक्ट आते हैं जिसमें 2.5 किलोमीटर वायडक्ट का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है बट उसमें रोड लेइंग चालू हो चुका है और 1.5 किलोमीटर वायडक्ट पे 3 स्पैन छोड़ के रोड लेइंग अभी चालू है और 600 मीटर वाला वायडक्ट का रोड लेइंग जस्ट शुरू होने वाला है। और आता है एक इंटरचेंज जिसमें अंडरपासेस तो बन चुका है बट ओवरऑल इंटरचेंज का काम अभी बाकी है और थाने के आमने गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के साथ कनेक्टिविटी का भी काम कंटिन्यू चल रहा है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो 36.5 किलोमीटर के इस पैकेज में वो एरियाज में काम ज़्यादा बाकी है जो हिली सेक्शन में आते हैं एंड बारिश के चलते ही यहाँ का काम ज़्यादा डिले हो रहा है। बाकी 3 जो बड़े वायडक्ट है उसका काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट होते हुए दिख रहा है। आई होप कि इस बारिश का सीजन खत्म होते ही इस सेक्शन का काम तेजी पकड़े क्योंकि हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पैकेज 13 से लेकर पैकेज 16 तक ये 123 किलोमीटर सेक्शन पूरा ही हिली रीजन में आता है जिसका काम काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है बट इनमें से ही एक पैकेज है पैकेज 14 जो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है जिसका प्रोग्रेस हम देखने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।